वनडे विश्व कप ये तो एक अन्य आईसीसी इवेंट ही है, मगर एक क्रिकेट प्रेमी के लिए विश्व कप किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि वनडे विश्व कप ही एकमात्र ऐसा मंच होता है जहां बड़े से बड़ी टीमों को छोटी से छोटी टीम भी झटके देने का दम रखती है। वो विश्व कप ही होता है जहां खिलाड़ी के असली टैलेंट और टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, इसलिए विश्व कप को कामयाब खिलाड़ी के सर का ताज माना जाता है। यही वजह है कि हर खिलाड़ी और क्रिकेट फैन अपनी टीम को विश्व कप जीतते हुए देखना चाहता है। ऐसा ही करोड़ों आंखों का सपना लिए आज से ठीक 19 साल पहले भारतीय टीम ने 2003 विश्व कप का आगाज किया था। हालांकि एक भारतीय क्रिकेट फैन के लिए 2011 विश्व कप जीत ज्यादा महत्व रखती है, मगर हकीकत में उस नींव को 2003 विश्व कप में ही रखा गया था, क्योंकि उस विश्व कप से पहले भारत बस एक भागीदार के तौर पर विश्व कप में उतरता था, मगर 2003 के शानदार खेल के बाद से लेकर आज तक भारत को हर विश्व कप में जीत का दावेदार माना जाता है। 2003 विश्व कप में भले ही भारत को जीत न मिली हो, मगर उस विश्व कप में भारत का फाइनल तक का सफर किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। उस विश्व कप की यादें आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस के दिमाग में ताजा हैं, और उन सुनहरी यादों को दोबारा जीने का एक मौका लिए फिर हाजिर है नारा टीवी दर्शकों की खास मांग पर रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 सीरीज लेकर। इस सीरीज में हम एक बार फिर ठीक 19 साल पहले हुए हर मैच के दिन का एपिसोड आपके बीच लाएंगे और हर वो खास लम्हा आपसे साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 2003 विश्व कप के सुनहरे सफर का पहला अध्याय। दोस्तों वैसे तो हर विश्व कप अपने आप में खास होता है और ऐतिहासिक बातों के लिए याद किया जाता है, मगर 2003 वनडे विश्व कप से पहले माहौल में खुशी कम, तनाव ज्यादा था, तैयारी कम, डर ज्यादा था, प्लानिंग कम, विवाद ज्यादा थे, जिसमें सबसे बड़ा विवाद था सुरक्षा का हवाला देकर राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली टीमों के बॉयकॉट को लेकर। असल में 2003 विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के साथ केन्या और जिम्बाब्वे की टीमें भी कर रही थी, मगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जिम्बाब्वे के हरारे में जबकि न्यूजीलैंड को केन्या के नैरोबी में खेलने से परेशानी थी। ये बॉयकॉट विवाद इतना उलझा हुआ था कि विश्व कप के 3 दिन पहले तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई, और आगे चलकर 2003 विश्व कप ने बॉयकॉट का कलंक झेला, जिसकी चर्चा हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे। मगर अभी इतना जान लीजिए कि माहौल खुशनुमा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ भारत और आईसीसी भी आमने सामने थे और हालत इतने खराब थे कि विश्व कप के 1 महीने पहले तक भारत के खेलने पर सवालिया निशान थे। हालांकि भारत के साथ आईसीसी का टकराव आखिर तक चलता रहा, साथ ही श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने अपने बोर्ड्स के खिलाफ खड़े थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज बोर्ड्स को खिलाड़ियों के आगे झुकना पड़ा, लेकिन श्रीलंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों के बीच फूट का रास्ता बनाया और विश्व कप के लिए टीम तैयार की। इस तरह 10 फरवरी 2003 को जब वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका मैच के साथ विश्व कप शुरू हुआ तो क्रिकेट गलियारों में खेल से ज्यादा विवाद चर्चे में थे, जिसमें तड़के का काम किया पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वार्न ने। दरअसल पहले मैच के 2 दिन बाद ही रूटीन मेडिकल चेकअप में शेन वार्न को ड्रग्स यूज करने का दोषी पाया गया और ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद अस्थायी लाग लपेटे के साथ जैसे तैसे विश्व कप को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों 2003 विश्व कप प्रारूप 1999 विश्व कप की तरह ही था, जिसके अनुसार 14 टीमों को 7-7 के 2 राउंड रॉबिन ग्रुपों में बांटा गया, जहां जीत हासिल करने वाली टीमों को 4 पॉइंट मिलते। पहले राउंड के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करती, जहां से सेमीफाइनल और फाइनल की तस्वीर साफ होती। भारत ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ था, जबकि मेजबान साउथ अफ्रीका के ग्रुप यानी बी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, केन्या, कनाडा और बांग्लादेश थे। दोनों ग्रुप वैसे तो बराबर थे, लेकिन बॉयकॉट विवाद ने नतीजों में जो जबरदस्त उलटफेर किए वो अगले एपिसोड्स में आपके होश उड़ा देंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आज से ठीक 19 साल पहले के पॉल मैदान में, जहां 3674 दर्शकों की मौजूदगी में भारत विश्व कप 2003 के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स के विरुद्ध 2:30 बजे खेलने उतरा था। उस दौर की भारतीय टीम किसी गाइडेड मिसाइल से कम नहीं थी, क्योंकि टॉप 3 में सचिन, सहवाग और गांगुली की महान तगड़ी थी, तो मिडिल ऑर्डर में द्रविड़, कैफ, मोंगिया और युवराज की आदर्शी पलटन थी। साथ ही गेंदबाजी में हरभजन, कुंबले, जहीर और श्रीनाथ जैसे धुरंधर थे, जबकि बेंच पर आशीष नेहरा, अजीत अगरकर, पार्थिव पटेल और संजय बांगर जैसे खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बस एकमात्र परेशानी का सबब ये था कि उस दौरान भारतीय टीम विदेश में अच्छा खेलने के लिए नहीं जानी जाती थी। फिर भी अभ्यास मैचों के अच्छे प्रदर्शन से मिले हौसलों के साथ भारत ने टॉस जीतकर कमजोर हॉलैंड पर दबाव बनाने के इरादे से पहले बल्लेबाजी चुनी। उस वक्त की हॉलैंड टीम नई क्रिकेट जगत में आई थी और एकदम अनुभवहीन थी, इसलिए कुछ विशेषज्ञों ने भारत बनाम हॉलैंड मैच को शेर और बकरी की लड़ाई बताया।
मगर हॉलैंड के गेंदबाजों का इरादा कुछ और था। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बड़े खिलाड़ियों के सामने होने के बावजूद हॉलैंड की ओर से सदी हुई शुरुआत रही। खासकर जिस तरह से गेंदबाजों ने गांगुली को बांधे रखा वो वाकई काबिले तारीफ था, जिसका नतीजा ये रहा कि जब गांगुली 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोलैंड का शिकार बने तो भारत का स्कोर सिर्फ 30 रन था। ऐसे में सहवाग ने आकर एक कड़क शॉट खेलकर अपने इरादे साफ कर दिए, मगर जल्द ही वो भी सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। लेकिन भारत की परेशानियां तब ज्यादा बढ़ गईं जब 52 रन बनाकर फॉर्म में दिख रहे सचिन 81 के स्कोर पर आउट हो गए। यहां से भारत को एक साझेदारी की तलाश थी, लेकिन पहले डी लेडी की गेंद ने राहुल का डिफेंस भेदा और फिर लाहौर में जन्मे अदिल राजा ने कैफ को अपने जाल में फंसाया। इस वक्त भारत का स्कोर पूरे 32 ओवर के बाद 5 विकेट खोकर 114 रन था और मुश्किलें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि भारत के लिए तेजी से रन बनाने से ज्यादा जरूरी था बचे हुए सभी 18 ओवर खेल जाना। ऐसे में युवराज सिंह ने दिनेश मोंगिया के साथ मिलकर विकेट गिरने का सिलसिला रोका और रन बनाने भी जारी रखे। अब ऐसा लग रहा था कि भारत एक सम्मानित स्कोर तक पहुंच जाएगा, लेकिन अदिल की किस्मत से हाथ में फंसे कैच ने 169 के स्कोर पर युवराज सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर देखते ही देखते पूरी भारतीय टीम 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 204 रन के टोटल में भारत की तरफ से सचिन की 50 के बाद दिनेश मोंगिया के 42 रन का सर्वश्रेष्ठ योगदान था, जबकि दूसरी तरफ हॉलैंड की ओर से टिम डी लीडे ने 4 और अदिल राजा ने 2 विकेट लेकर मैच में जान फूंक दी थी। अब भारत को इज्जत बचाने के लिए हॉलैंड को 204 रनों से पहले रोकना था, जबकि हॉलैंड को इतिहास रचने के लिए 50 ओवरों में सिर्फ 205 रन बनाने थे। मैच के पहले हाफ ने भले ही भारतीय बल्लेबाजों और दर्शकों का मनोबल हिलाकर रख दिया था, मगर पहले हाफ के बाद खुशी की बात ये भी थी कि पिच में अब भी कमाल बाकी था, जो कि हरभजन, कुंबले, श्रीनाथ और जहीर खान जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के कहर बरपाने के लिए काफी था। इसके बाद हुआ भी ऐसा, भारतीय गेंदबाजों ने हॉलैंड बल्लेबाजी लाइनअप का पिच पर टिकना दूभर कर दिया, जिसकी शुरुआत श्रीनाथ ने पहले ओवर में क्लोपेनबर्ग और 9वें ओवर में हैंग जैन मोल के विकेट के साथ की। इसके बाद तो मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने की होड़ सी लग गई, जिसका नतीजा ये रहा कि दूसरी पारी से पहले मैच जीतने की दावेदार हॉलैंड का स्कोर कार्ड 54 रन पर ही 7 विकेट दिखा रहा था। वो तो बाद में 21 साल के सलामी बल्लेबाज डैन वैन बंज ने 62 रन बनाकर हॉलैंड की साख बचाने का काम किया। हालांकि बंज ने 45 ओवर तक संघर्ष जारी रखा, मगर हॉलैंड सिर्फ 136 रन ही जोड़ सका, जिसमें सबसे बड़ा हाथ श्रीनाथ और कुंबले के 4-4 विकेटों का था। इस तरह भारत ने तूफान उठने से पहले ही हॉलैंड को 64 रनों से हराकर विश्व कप 2003 की शानदार शुरुआत की। मगर हॉलैंड जैसी टीम के खिलाफ सितारों से सजी भारतीय बल्लेबाजी का यूं 204 रन पर ध्वस्त हो जाना परेशानी का सबब जरूर था। अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी गलतियों से सबक लेकर विश्व कप अभियान में आगे बढ़ेगा या फिर एक झटका मिलने के बाद ही भारतीय बल्लेबाजी ट्रैक पर वापस लौटेगी। तो दोस्तों क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। तब तक नारा टीवी की खास पेशकश रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि भारत का अगला मुकाबला कब और किस टीम से है। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।